happened. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत और आज हम जा रहे हैं खेत में। हल वहाँ पे हल लग रहा है तो मैं रोटी वगैरह लेके ही जा रहा हूँ वहाँ पे। तो खेत में चलते हैं अभी, क्योंकि इस साइड क्या होता है कि यहाँ धान की बुआई हो रही है तो धान की खेती अभी चल रही है। तो मैं सोचा थोड़ा वहीं होके आता हूँ, देख के आता हूँ हल कितना लगा हुआ है। ठीक है दोस्त, तो मैंने कहा थोड़ा काम कुम करके आ जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर अकेले मम्मी है। और तो ये हमारा खेत है और इस खेत में क्या हो रहा है, अभी हल लग रहा है। अब इसमें धान वगैरह बोए जाएंगे सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, ये धान की खेती तैयार हो जाएगी। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे हल लगा रहे हैं हमारे चाचा जी और यहाँ पे मम्मी जी है, गुड़ाई वगैरह कर रही हैं। ओ चाची मैं सुन कि ये भाव लगने तुम यथोने। अच्छा, और ये हमारे चाचा जी हल लगा रहे हैं। ओ सब आज छोड़, मौसम भी ठीक है। अरे हमारी माँ जी गुड़ाई कर रही हैं अकेले। यहाँ पे हल लगा रहे, थोड़ा खुदाई वगैरह कर रहे हैं इससे। तो अभी थोड़ा खुदाई करते हैं, खेतों को खोदना का काम भी करना ही पड़ता है। फिर बोल भी पेंडू बोल लीजिए, पेंडू बोल को अच्छे। और ये हमारी माता जी गुड़ाई कर रही है खेतों में, देख लो। बीएस भी लगा लो अब। कितर ये तरफ पल तरफ ओ तो अभी हमारी माता जी ने अभी रोटी नहीं खाई, अब ये रोटी वगैरह खाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, भूख लग गई है। टाइम भी 12 बजने वाले हैं। खेतों में काम करते समय खाने पीने के लिए बहुत लापरवाही करते हैं और अब आराम से बैठ के हमें माँ रोटी खल है गो। माँ बदर जी पे भूख नहीं लग नहीं लग है, है? और ये निकाल ली रोटी, क्योंकि गांव में जब खेतों में आते हैं तो इसी तरीके से रोटी वगैरह लेके आते हैं, क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है घर जाने का और घर में खाने का। और घर में अब सीधे डायरेक्ट होगा जो लंच होगा वहाँ पर खाएंगे। और अब ये कटोरी है और इसमें रोटियाँ वगैरह हैं, तो रोटी वगैरह चाय वगैरह खाएंगे अभी यहाँ पे। और साथ में जो हमारे चाचा जी हल लगा रहे हैं वो भी अभी रोटी वगैरह खाएंगे। तो आप रोटी वगैरह खाओ माता जी। दोस्तों गांव में क्या होता है, जब खेतों में जाते हैं खेतों में गुड़ाई वगैरह से पहले क्या होता है कि खाद वगैरह डालते हैं, तो इस तरीके से कंडी में गोबर को लेके इस तरीके से बनाए जाते हैं, यानी कि और पूरे खेत में इसको डाल दिया जाता है बाद में, फिर उसके बाद हल लगाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे खाद वगैरह का प्रयोग किया जाता है गांव में। तो ये देख लो आप खेतों में किस तरीके से खाद वगैरह डाला जा रहा है।
और धीरे धीरे खाद होने के बाद यहाँ पे हल वगैरह लगेंगे, और हल लगने के बाद सितंबर अक्टूबर तक धान की खेती तैयार हो जाएगी। तो अभी धान की खेती में हल लगना बाकी है, फिर इसके बाद यहाँ पे गुड़ाई बुआई वगैरह होगी। दोस्तों मैं अभी गांव के आसपास की सीनरी दिखाने वाला हूं आपको, बहुत ही मस्त सीनरी है क्योंकि अभी मैं खेत में हूं और हमारे खेत में अभी हल लग रहा था, तो मैं थोड़ा काम वाम कर रहा था, तो अब थोड़ा थोड़ा मैं यहां पे देख लेता हूं आसपास का कितना अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छी लोकेशन लग रही है इधर की, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये खेत वगैरह हैं, पेड़ वगैरह है सूखे पड़े हुए अभी, और यहाँ के आसपास की जो लोकेशन बहुत अच्छी लग रही है। नीचे ये हमारे गांव से नीचे का एक गांव है दामडाली, तो दामडाली का ये एरिया नज़र आ रहा है, जो सामने दिख रहा है दामडाली का एरिया नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर जो गांव है यहाँ पे वो गांव है, और ये आसपास के खेत। तो मैंने बताया था पिछली बार, दिखाया था मैंने एक जगह तो गेहूँ बोए गए हैं और यहाँ पर जो है वो धान की खेती तैयार हो रही है। तो अभी ये खेतों में अभी हल लग रहे हैं, तो इन खेतों में हल वगैरह लग रहे हैं, उसके बाद खाद वगैरह डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे धान को बो देंगे। तो ये खेत अभी खाली है और जो हरियाली है उनमें गेहूँ बोए गए हैं। तो ये देख लो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये आसपास के गांव, हमारे गांव के ऊपर का दूसरा गांव है। और ये सामने की पहाड़ियाँ, और ये हमारा खेत, इसमें अभी हमारी माता जी हैं और ये हमारे चाचा जी हैं जो हल लगा रहे हैं। तो अभी मैं भी थोड़ा इनके साथ यहीं पे हूँ। अभी तो जुड़े छम भविष्य में जुड़ देख हल के, जाने बे आप उधर कौते उधर अच्छा। हेलो बोल, हेलो, नमस्ते कर, नमस्ते नहीं करन, चल बाय कर दे, बाय 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 बाय, चल ठीक है। देखो तो गांव में किस तरीके से ये यहाँ पे गांव में है, ये पत्थर है, ये गौशाला वगैरह में इनका प्रयोग किया जाता है, चौड़े चौड़े टाइल्स के टाइप के ही होते हैं, लेकिन ये पत्थर है, इनको फटियाल बोलते हैं यहाँ पे। और ये चीड़, चीड़ के जो पत्ते गिर के बाद में पिरूल का काम करते हैं। और ये दोस्तों अब मैं अभी शादी में जा रहा हूँ, यह मुशो शादी है प्रतिभोज है आज, तो उन्होंने कार्ड वगैरह दिया था, मैंने कहा होके आ जाता हूँ, तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ मुशो प्रतिभोज में। यह हमारी दारिम डाली का पुल, और ये हमारे दारिम डाली का मार्केट है जो सामने दिख रहा है पूरा। दोस्तों ये हमारे मुशो गांव का रास्ता है, काफ़ी अच्छा रास्ता बना हुआ है यहाँ पे ये, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे नदी है रामगंगा, और उसके किनारे किनारे इतनी अच्छी सड़क बनी हुई है फुटपाथ, तो ये फुटपाथ ऐसे लग रहा है कि किसी ने बहुत मेहनत करके इसको बनाया हुआ है, पर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है।
ये दारिम डाली मूसों और सलंगी मल्ला का मार्केट आपको दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे न्योता का प्रोग्राम चल रहा है, जो भी लोग आए हैं न्योता वगैरह लगा रहे हैं। मेरा कौन से हर्ष भूखे वीरो न हो मेरा जाना को दुख है न हो दुख है न हो मेरा सुख है मेरा अरे माथा चौक में बैठा दो, माथा चौक अरे यो के मालूम है ना वो ऑपरेशन हो उचित कौन छोटवा हैं बड़वा I've been dreaming on it.